बिसमान रही मैन असलम एवरी वन वेलकम बैक टू द कॉमन वॉइस और सईद हुसैन हैदर आप लोगों के साथ और अब हम लोग जो हैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर होगी उसके ऑपरचुनिटीज़ उसका पोटेंशियल और uh, कैसे हम पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बेहतर तरीके से तब्दील कर सकते हैं आज हमारे साथ जो हैं uh, डॉक्टर ज़फर याद घलू साहब हैं और uh, डॉक्टर साहब का तलक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा सदरन पंजाब से है और माशाल्लाह से 1992 से जो है ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं मुख्तलफ़ मॉडर्न टेक्निक्स और डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उसकी वो कल्टिवेशन करते हैं और इसके अंदर जो है डॉक्टर सफर याद साहब ने दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पाकिस्तान को रिप्रजेंट भी किया और कैसे जो है ना ख़ास तौर पर एरिया ऑफ कॉटन के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर और स्पाइस के अंदर डॉक्टर साहब ने जो है ना पाकिस्तान में और बाहर जो है ना अपना नाम जो है वो जमाया है और उसके अलावा डॉक्टर साहब चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर हैं कदन फूड्स के कहा जाता है कि हमारे मुख्तलिफ असम्बलीज के अंदर ज़्यादातर फ्यूडल्स हैं ज़्यादातर एगरी बेस्ड जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं मगर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बढ़ सकी बल्कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हम पहले एक्सपोर्ट करते थे अब हम इम्पोर्ट करें हमारी जो एग्रीकल्चर है चाहे वो पचपन फ़ीसद से पच्चीस फ़ीसद इक्कीस फ़ीसद उन्नीस फ़ीसद पर आ गई यानी उसकी जी डी पी में कंट्रीब्यूशन पचपन फ़ीसद थी जब मुल्क आज़ाद हुआ और आज वो उन्नीस और इक्कीस फ़ीसद के दरमियान रहती है दो पचास पचपन से वो इक्कीस फ़ीसद पर आ गई लेकिन इससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गई कि आज अगर एग्रीकल्चर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ या इसी पोटेंशियल के साथ भी ना चलता रहा तो ये इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती तो इसलिए एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान तो है ये सवाल मैं बहुत आसान नहीं है इसका जवाब देना लेकिन एक एक बात सिर्फ मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आज अगर एग्रीकल्चर अगर को इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे फार्मर ऐसे मिलेंगे जो दुनिया में बेस्ट फार्मर्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं चाहे वो कॉटन क्रॉप हो राइस क्रॉप हो वो टनल फार्मिंग हो वो वेजिटेबल फार्मिंग हो हमारी पॉलिसीज़ उस तरह ना बन सकें जो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर को सही समत की तरफ ले कर मुझे पता चला कि तकरीबन थर्टी टू थाउजेंड प्लस जो है ना एग्री ग्रेजुएट ग्रेजु, ग्रेजु जो है ना वो हर साल जो है वो पास आउट करते हैं मगर जो है हम लोग जो है कोई कोई अच्छी सीड्स नहीं डेवलप कर पाते हम लोग जो हैं Uh, कोई नई मेथोडोलॉजीज uh, और टेक्निक्स नहीं डेवलप कर पाते और जो मॉडर्न फार्मिंग है वो जैसे आपने कहा शायद पॉकेट्स के अंदर है बट जो है ना वो एक नेशनल लेवल के ऊपर नहीं है तो इसकी क्या वजह देखें आज तक हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर करके हमारे पास आई है हमने ये टेक्नोलॉजीज या डायरेक्टली बाहर से आ, किसी फार्मर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ले ली या हमने किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंगेज करके ले ली आ, अभी भी आप कौन की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपने कहा जी सीड का हवाला यूनिवर्सिटीज़ का हवाला और सीड प्रोडक्शन के हवाले से आपने बात मकई मैंने मकई सन उन्नीस या सतानवे के अंदर लगाई और मैं ये मकई साहिवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो कि कौन का सीट बना रहा था वहाँ से लेके गया जब मैंने उस सीट को लगाया तो उसके कोई रिजल्ट नहीं मिले मुझे तो मैंने उसको लगाना छोड़ दिया फिर हमें पता चला कुछ मल्टी नेशनल कंपनीज आ गई हैं वो बहुत अच्छा सीट दे रही हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी सौ मन से भी ऊपर है हमने दोबारा ट्राई किया उसको लगाया और वो वाकई उसने परफॉर्म किया तो ये मुझे बताइए चलें मैं साहिवाल वो भी हमारी एक अच्छी अटैम्प्ट थी कि हम साठ मन एकड़ वाली मकई प्रोड्यूस कर चुके थे वो साठ मन से वापस चली गई वो इंस्टीट्यूट ही बंद हो गए वो सीट प्रोडक्शन ही बंद हो गई दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनी आती है वो हमें सीट देती है और वो सौ मन से ऊपर चला जाता है वो भी इंसान है हम भी इंसान हैं मैं अमेरिका जाके उनकी टेक्नोलॉजीज़ देख के आया हूँ हमारी निपजी के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं फ़र्क कहाँ था फ़र्क सिर्फ मोटिवेशन का था फ़र्क सिर्फ ह्यूमन परफॉर्मेंस का था अमेरिकन सर्टन इवेंट्स सर्टन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट करने में बावाए उसके के जहाँ पे बहुत पैसा कैपिटल इन्वॉल्व है उसके अलावा जहाँ ह्यूमन रिसोर्स इन्वाल्ड है हमारे और उनमें कोई फ़र्क नहीं तो मसला हमारी ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट का है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेशन का है और अदरवाइज जो अब उसमें फिर मैंने आपको पहले ज़िक्र कर दिया था गवर्मेंट पॉलिसी और इधर भी उसी तरह ये गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई कर रही है जहां बाकी सेक्टर्स के अंदर अप्लाई कर रही है पी आई ए परफॉर्म नहीं कर रहा गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही गवर्नमेंट पॉलिसी तो जहां भी भी आप देखेंगे अल्टीमेटली आपको बात यही समझ आएगी कि अगर गवर्नमेंट सीरियसली अच्छी पॉलिसीज़ बना ले चाहे वो पॉलिसी इस तरफ ओरिएंटेड हो कि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर यानी आज वो फैसला कर लें कि गवर्नमेंट सेक्टर हमने बनाया यूनिवर्सिटीज़ बनाई नहीं परफॉर्म कर सकें लेट्स गिव दिस टू प्राइवेट सेक्टर और नेशनल hmm. और मल्टीनेशनल दोनों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दे तो हमारी जो मेन वजह है वो मेरे ख्याल में ह्यूमन रिसोर्स की मोटिवेशन की अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे माइक्रो इश्यूज की बात की और ये जो हमारा कॉमन वॉइस प्रोग्राम है ये बेसिकली यूथ सेंट्रिक है यूथ फोकस्ड है जो अब इस शो से पहले हम बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि जो एग्रीप्रन्योर्स हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड जो ऑन्टपेन्योर्स हैं उनको आप कैसे जो है ना मोटिवेट करें आ, कैसे उसको इस फील्ड के अंदर लेके आएँ कैसे उनको फील्ड के अंदर लेके आएँ कैसे शहरों से इनको निकालें क्योंकि अर्बनाइजेशन के अंदर तो जो परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन है वो तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जा रही है तो आप कैसे प्रमोट करना चाहेंगे एग्रीप्रेन्योर्स को आपने एक तो वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया जी एग्रीप्रेन्योर्स बड़ा नया लफ्ज़ है यानी मैं ये समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट को बाकायदा वर्ड एंटरपन्योर के साथ साथ एग्रीपेन्योर का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए यूनिवर्सिटी करिकुला में डाल दें कॉलेज में डालें स्कूल्स के अंदर डाल यूथ देखें यूथ को सिर्फ उनको एक देखना है कि कहाँ उनके लिए मौाक़े मौजूद हैं अगर वह एग्रीकल्चर में होंगे तो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे अगर किसी और सेक्टर्स में होंगे लेकिन ये जहन में रखिए इस वक्त जो जनरेशन जी है मिलीनियल जनरेशन है ये सारी की सारी कॉरपोरेट फोकस्ड है जो बच्चा कॉलेज डिग्री करता है उसका ख्वाब होता है कि मैं किसी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर चला जाऊँ या उसका ख्वाब होता है कि किसी में बाहर के मुल्क किसी अच्छी कंपनी के अंदर मेरी प्लेसमेंट हो जाए ये फिनिना हमारे यहाँ ज़्यादा है मैं अभी एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था फिलीपींस का फिलीपीन को यह प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको यह मसला हो रहा है कि किस तरह हम अपने यूथ को एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज करें उन्होंने मुख्तिक प्रोग्राम डिवाइस किए हैं उनमें से कुछ कामयाब हुए कुछ नहीं हुए हमारी लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे कुछ हमसाय ममालिक ऐसे हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम डिवाइस किए हैं जिसके तहत यूथ चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे बाकी जगह हो वो वापस अपने मुल्क आना चाहता है अपने मुल्क में रह के काम करना चाहता है जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर है देखें ये एक बात आप जहन में रखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं आप कैसे कंपीट करेंगे जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स दुनिया के अंदर बहुत सुपीरियर हैं ना सिर्फ वो सुपीरियर हैं बल्कि चीफ भी हैं एक वाहिद आपके पास सेक्टर बनता है दो ही मैं वैसे समझता हूँ दो ही सेक्टर हैं एक आपका आईटी सेक्टर है और दूसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहरहाल मैं यूथ से भी यही कहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उनके लिए बहुत पोटेंशल मौजूद है और बहुत सारे एरियाज अनटैप्ड पड़े हुए हैं ये हमारा काम है कि आप लोगों तक वो अनटैप्ड एरियाज़ उनको उनको आपके सामने लाएं और फिर आप मोटिवेट हो कि उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों लेकिन फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कराएंगे यूथ क्योंकि यहाँ एक तो चलें पहली बात हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर दिया जो उसके अनटैप्ड एरियाज़ पड़े हैं हमने टैप कर लिए वैल्यू एडिड आइटम्स अभी तक आप, आप देखें आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आप अगर टेक्सटाइल सेक्टर को ही ले लें सबसे ज़्यादा आपका वैल्यू एडेड सेक्टर समझा जाता है इस सेक्टर के अंदर दुनिया में ग्रे क्लॉथ सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होता है ट्रेडिंग के अंदर यान सबसे मिनिमम एक्सचेंज होता है यानी दस पंद्रह परसेंट अगर यान होगा तो 80 पचासी फीसद क्लॉथ होगा पाकिस्तान के अंदर 80 पचासी फीसद यान एक्सपोर्ट हो रहा है और बाकी आपका गारमेंट्स और क्लॉथ और मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और इसके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है आपके एग्रीकल्चर से आ रहे हैं हमारी जब हम टेक्सटाइल सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ने इतने सालों से प्रमोट किया और और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर और वो नहीं ये अचीव कर सके यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है यानी अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह आपको दे देता हूँ कि हम एक छोटा सा फार्मूला है ये हमारी यूथ को ये बात बहुत आसानी से इंटरप्रेट करने में आसानी हो जाएगी इस बात को इस एग्ज़ाम्पल से कि वन बिलियन डॉलर हम जनरेट करते हैं वन मिलियन बेल से इंडिया आज से पाँच सात आठ साल पहले टू बिलियन डॉलर वन मिलियन बेल से जनरेट करता चाइना फोर बिलियन डॉलर वन मिलियन बेल से प्रोड्यूस करता था जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस वक्त आठ साल पहले हम बारह मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे और हम बारह बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रहे थे आज हम सात आठ मिलियन पे आ गए हमारे टेक्सटाइल भी नीचे आ गई जबकि चाइना अगर चाइना मॉडल हम अपना लेते या हम इंडिया मॉडल अपनाते तो हम बारह से चौबीस पे चले जाते चाइना मॉडल अपनाते तो अड़तालीस बिलियन डॉलर पर चले जाते अब जरा वैल्यू चेन को ज़रा देख लीजिए आप यान में किन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्पिनिंग कर रही है यान बना रही है वो कितनों को दे रही है और एक स्टिचिंग यूनिट कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एक छोटा स्पिनिंग यूनिट जो कि 200 या एक हजार जो स्टिचिंग यूनिट्स हैं वो एक स्पिनिंग यूनिट के बराबर होगा उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखिए अच्छा आप इसी तरह बाकी सेक्टर्स में आ जाए आप मिसाल के तौर पर कौन उठाते हैं और या पोल्ट्री फीड में डाल देते हैं कौन उठाते हैं या आप उठा के उसको एक्सपोर्ट के लिए या मंडा जिसे कहा जाता है वंडे में इस्तेमाल कर लेते अगर यही कॉन जैसे कि फौजी ने स्टार्ट किए हुए है ये कॉर्नफ्लिकेक्स में चली जाए ये मुख्तलिफ़ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर चली जाए आप जरा वैल्यू एडिशन की ज़रा उसकी देखे कि आपका कहाँ से कहाँ पोटेंशल चला जाता है आप इस वक्त राउंड टेन मिलियन मिट मिलियन मेट्रिक टन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जब वैल्यू एडिशन में डालेंगे वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी तो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर के यूथ के लिए पूरी अभी हमने बड़ी बातें की हैं इसमें अभी छोटे प्रोजेक्ट्स की बातें नहीं की अभी हैंड रेजिंग की बात नहीं की अभी देसी एग बनाने की बात नहीं की अगे अभी हमने फ्री रेंज चिकन की बात नहीं की इसके लिए आपको बहुत बड़े यूनिट्स नहीं चाहिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए लेकिन एक कामयाब मॉडल चाहिए उनको इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के एक छोटे से खत्े में जाके फार्मर या कोई यूथ जाए और वहाँ से जाके वो इन्फॉर्मेशन लेके आए उसको वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इदारे से चाहिए जो उनको सॉलिड तरीके से पूरा मॉडल दे दे वो मॉडल उनके पास मौजूद ही नहीं होता आ, बड़ी अहम बातें आपने की डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए आ, मैं ये चाहूँगा कि अब जो हमारा जो प्रोग्राम है उसका फोकस जो है ना यूथ हो जाए और यूथ को हम कुछ टिप्स दे सकें बेशक ये पहला सेशन है हमारा और इसके अंदर आप एक ओवरव्यू दे रहे हैं और बाद में बहुत सारे सेशंस आप करेंगे बट एक कॉमन मैन मैं एक कॉमन इंडिविजुअल हूँ मैं जब एग्रीकल्चर को देखता हूँ तो मुझे जो है ना गंदम चावल और कॉर्न और मैंगो और किन्नू और बस इसके अलावा भी कुछ है एग्रीकल्चर में नहीं बहुत कुछ है ये, ये चूंकि आप आ, आप एक सर्टन परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं देखें आपके डाइनिंग टेबल पे जो कुछ पड़ा है वो सारा फार्म से आया है एग चिकन फिश वेजिटेबल फ्रूट ब्रेड एवरीथिंग इट्स कमिंग फ्रॉम फार्म्स तो इसकी एक बहुत एक्सटेंसिव रेंज है अभी देखें यहाँ पे एक पूरा एक अलग सेक्टर है डेयरी का और लाइफ स्टॉक का ये तो हम फसलात की बात करें डेरी और लाइफ स्टॉक एक टोटली अलहदा सेक्शन है जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर का इकसठ बासठ फीसद एग्रीकल्चर वोड कंप्राइज करती है डेरी लाइफ स्टॉक से और ये अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनटैप्ड पड़ा हुआ है वहाँ हमें सिर्फ ईद के जानवर के टाइम ही डेयरी एंड लाइफ स्टॉक का पता लगता है या दूध खरीदते हुए पता लगता है डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सिर्फ ये नहीं है इसमें बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स हैं जो आ जाते हैं जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं जिनका गोश्त एक्सपोर्ट किया जा सकता है महमुदा में तो एग्रीकल्चर एक, एक बहुत एक्सटेंसिव जो है एरिया को कवर करता है डॉक्टर साहब एज ए कॉमन मैन आपकी बातों से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे ज़मीन चाहिए तो अगर मैंने एक एकड़ ज़मीन मुझे चाहिए तो इसका मतलब यह है कि मुझे दो तीन करोड़ रुपए जो है ना जमीन खरीदनी पड़ेगी अगर मैंने उसके ऊपर कुछ काश्त करना है तो उसके लिए भी मुझे पचास साठ लाख चाहिए होंगे मैं कहाँ से ये करोड़ दो करोड़ रुपये कहाँ से लेके आऊँ हाँ लेकिन मैं ए, थोड़ी सी फिगर्स आपने ज़्यादा दे दी हैं बहरहाल अगर एक कोई यूथ आ, या कोई एग्रीपेन्योर इसमें आना चाहते तो ज़रूरी नहीं है ज़मीन खरीद के वो आए वो ज़मीन लीज भी कर सकता है दो एकड़ चार एकड़ पाँच एकड़ और देखें इस वक्त जो पहले पहले सूरत हाल को समझना चाहिए ये वो टाइम है जिसमें एग्रपेन्योर अगर आना चाहता है तो उसको लीज़ पे ज़मीन अच्छे दाम पे मिल जाएगी हो सकता है आज से दस साल बाद एक कंपटीशन क्रिएट हो जाए और बहुत सारे एग्रपनी आना शुरू हो जाए तो यही ऊपर चले जाएगी इसकी प्राइस तो बहरहाल कुछ लाखों से बहुत सारे काम शुरू किए जा सकते जो लाखों में ही उसको आमदनी भी दे दें तो उस ज़मीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और ज़मीन अगर आप किसी शहर के करीब जा रहे हैं तो शायद सत्तर अस्सी लाख का एकड़ हो लेकिन आज कल के हवाले से आजकल के प्राइस के हवाले से अगर आप थोड़ा सा एक्सेबल एरियाज़ में चले जाएँ जो शहर से थोड़े दूर हों तो यही ज़मीन उसको तीस पैंतीस लाख में मिल सकती है लेकिन वो तीस पैंतीस लाख क्यों इन्वेस्ट करें वो लीज़ पे ले लें जो उसको एक लाख रुपया पचास हज़ार से लेके कर एक लाख रुपये एकड़ पे मिल जाएगी उसको बिजनेस आइडिया लेके आना है जो अगर उसने पाँच एकड़ पाँच लाख लगाए और उस पर कैपिटल कॉस्ट अपनी सात आठ दस लाख लगाई तो उसको वो रिटर्न भी पंद्रह बीस लाख दे जाए तो इस तरह के कोई उसको वेंचर्स देने पड़ेंगे और हैं मौजूद हैं वो वेंचर्स लेकिन इनोवेटिव माइंड क्योंकि यूथ का एक इनोवेटिव माइंड होती है ये याद रखिएगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मर है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही चल रहा है वो कॉटन है तो कॉटन ही लगाता रहेगा ज्यादा ज़्यादा आप क्या करेंगे अच्छी नेशनल पॉलिसी से उसकी कॉटन की प्रोडक्टिविटी बेहतर कर देंगे लेकिन वो कॉटन के अंदर कोई इनिशिएटिव लेके आए वो एक को ऑब बना ले और उसके तहत बेटर कॉटन इनिशिएटिव के तहत ऑर्गेनिक कॉटन के तहत कोई कॉटन बना दे उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आ जाती हैं इंटरनेशनल फोरम्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है, है, है बहुत सारी और ऐसी वो फ़ॉर उस एंटरप्रेन्योर को इंगेज करेंगी अपने साथ और उसकी प्रोड्यूस परचेज कर लेंगे या उसकी बिकवा देंगी बहुत अच्छे प्राइस पे ये मैंने कॉटन के हवाले से एक आपको इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया ये बताएं अपना डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की अगर इकानी को बेहतर करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं एक एग्रीकल्चर है और दूसरा जो है ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड जो है ना ऑफ हैं तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर में आप क्या देखते हैं दुनिया प्रोसीजन एग्रीकल्चर पर चली गई जिसका मतलब ये है कि लैंड की मैपिंग हो जाती है और लैंड की पोटेंशियल के मुताबिक वहाँ पे सीड की एप्लीकेशन होती है लैंड के पोटेंशियल के मुताबिक ही फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होती है और उससे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक जा चुकी है टेक्नोलॉजी ड्रोन्स पे चली गई यानी मिसाल मैं आपको एक दे देता हूँ कि हमारी एक शुगर केन बहुत ज़्यादा काश्त होती है और एक सर्टन स्टेज के बाद शुगर केन के अंदर आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अगर कोई बीमारी आती है तो आप स्प्रे नहीं कर सकते दुनिया ड्रोन टेक्नोलॉजी से इससे फ़ायदा उठा रही है टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने फार्म पे अपनी ज़मीन की कल्टीवेशन करनी और आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपके कल्टिवेटर्स डिज़ाइंड है तो आप दो लीटर पर एकड़ की जो कंजम्पशन है डीजल की उसको ले आएंगे डेढ़ लीटर के ऊपर इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए अपने एकड़ेज के ऊपर और ज़रा देखिए आपकी कितनी सेविंग है कोई आप मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को देखिए जी हमारी यूथ माशाल्लाह बहुत समझदार है अब तो वो अपने बड़ों से भी ज़्यादा समझदार होती जा रही है मेरा एक ही मैसेज होगा अपने जो यंगस्टर्स हैं जो किसी भी कौम का असल रूह रवा होते हैं यूथ हर कौम का रूह रवा होते हैं ये मुल्क बहुत पोटेंशल रखता है एग्रीकल्चर अपने अंदर बहुत पोटेंशल रखता है आप को जो नमते अल्लाह ने अता की हैं हमें अभी उसका अंदाज़ा ही नहीं है इस आज़ादी का हमें अंदाज़ा नहीं है जो इस मुल्क में इतने बुरे हालात के बावजूद हमें मिली हुई है आप मेहनत कीजिए एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर खड़ा है आप इसके ऊपर फोकस कीजिए और मुझे उम्मीद है इनशाला आपको इसमें कामयाबी देगा शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो है ना इनशा नेक्स्ट सेशन तक पाकिस्तान जिंदाबाद